मैं अत्यधिक उत्साहित महसूस कर रहा हूँ, अत्यधिक उत्साहित महसूस कर रहा हूँ। ये जनता जनार्दन का प्यार है। उन्होंने बड़ी कठिन परिस्थिति में सत्ता दल के प्रलोभन, उनके दबाव, उनकी गुंडागर्दी, प्रशासन के हाई हैंडेडनेस, हाई उनकी जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती, पुलिस की जोर जबरदस्ती के बावजूद जो है कांग्रेस को जिताया है। मैं मंगलौर की बहादुर जनता का भी को भी प्रणाम करता हूं और श्री बद्रीनाथ की विवेकशील जनता को भी प्रणाम करता हूं। उन्होंने वहां कहा दल बदलू नहीं चाहिए, हमको कांग्रेस चाहिए। निष्ठावान कार्यकर्ता लखपत बुटौला को उन्होंने कहा आज हम हरेले के मौके पर एक पौधा लगा रहे हैं, ये वृक्ष बन करके श्री बद्रीनाथ की क्षेत्र की सेवा करने का काम करेगा। और यहाँ उन्होंने मंगलौर की जनता ने अपने काजी को पुचकारा है, कहा है कोई बात नहीं, तुम पहले मामूली बोतू से रह गए थे लेकिन तुम डटे रहे और अब हम सारी बाधाओं, सारी दिक्कतों, सारे दबावों के बावजूद तुमको विजयी बना रहे। और कांग्रेस से कहा अपना विपक्ष धर्म ठीक से निभाओ, निष्ठापूर्वक काम करो, नम्रता से काम करो, पहले से ज्यादा तेजी से काम करो, मिलजुल करके काम करो, हम 2027 तुमको सौंपेंगे। ये जनता का स्पष्ट है। मैं अत्यधिक उत्साहित महसूस कर रहा हूँ, अत्यधिक उत्साहित महसूस कर रहा हूँ। ये जनता जनार्दन का प्यार है। उन्होंने बड़ी कठिन परिस्थिति में सत्ता दल के प्रलोभन, उनके दबाव, उनकी गुंडागर्दी, प्रशासन के हाई हैंडेडनेस, हाई उनकी जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती, पुलिस की जोर जबरदस्ती के बावजूद जो है कांग्रेस को जिताया है। मैं मंगलौर की बहादुर जनता का भी को भी प्रणाम करता हूं और श्री बद्रीनाथ की विवेकशील जनता को भी प्रणाम करता हूं। उन्होंने वहां कहा दल बदलू नहीं चाहिए, हमको कांग्रेस चाहिए। निष्ठावान कार्यकर्ता लखपत बुटौला को उन्होंने कहा आज हम हरेले के मौके पर एक पौधा लगा रहे हैं, ये वृक्ष बन करके श्री बद्रीनाथ की क्षेत्र की सेवा करने का काम करेगा। और यहाँ उन्होंने मंगलौर की जनता ने अपने काजी को पुचकारा है, कहा है कोई बात नहीं, तुम पहले मामूली बोतू से रह गए थे लेकिन तुम डटे रहे और अब हम सारी बाधाओं, सारी दिक्कतों, सारे दबावों के बावजूद तुमको विजयी बना रहे। और कांग्रेस से कहा अपना विपक्ष धर्म ठीक से निभाओ, निष्ठापूर्वक काम करो, नम्रता से काम करो, पहले से ज्यादा तेजी से काम करो, मिलजुल करके काम करो, हम 2027 तुमको सौंपेंगे। ये जनता का स्पष्ट है।